हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी ना हम लोग जा रहे थे जुहू बीच, जो कि जुहू चौपाटी बोलते हैं। तो रास्ते में परे है अमिताभ बच्चन का घर, जो कि जलसा। तो दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे पब्लिक लोग रुके हुए हैं, तो सोचे देख लेते हैं रुका टैक्सी रुका के क्या हो रहा है भाई। तो अभी अमिताभ बच्चन ना बाहर निकलने वाले हैं, तो चलते हैं हम लोग भी देखते हैं। और क्योंकि इतने दिन से मुंबई में है बट कभी देखे नहीं है, तो हम लोग उतर के आ गए टैक्सी से नीचे। और यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक लोग हैं और रास्ता तो पूरा फुल हो गया भाई। जैसे शाहरुख खान सलमान खान को देखने के लिए भीड़ रहते हैं, ठीक वैसे ही अमिताभ बच्चन के भाई काफ़ी ज़्यादा करते। तो मैं सोचा हूँ कि रुक लेता हूँ और थोड़ा वेट करके यहाँ से देख ही लेता हूँ अमिताभ बच्चन को। तो चलते हैं भाई और दिखाते हैं आप लोग को भी वीडियो में। तो ये हुई जलसा, जो कि आप लोग जो भी जाएंगे तो रास्ते में ही पड़ेंगे, जो कि इनका घर का नाम है जलसा। जैसे शाहरुख खान का मन्नत नाम है, सलमान खान का गैलेक्सी अपार्टमेंट है, वैसा ही अमिताभ बच्चन का भी जलसा नाम है बंगला का। तो भाई ना काफ़ी खराब है यहाँ पे, आज निकलने वाले आई थिंक। यहाँ पे बोल रहे थे कि संडे को अक्सर निकलते रहते हैं, तो आज दिखाते हैं आप लोग को अच्छे से। और सबसे खास बात अच्छा ये लगा कि यहाँ पे पानी वगैरह पिला रहा है भाई फ्री में, ये सबसे अच्छा लगा। पब्लिक सेवा के लिए पानी दिया, क्योंकि मैं देखा हूँ शाहरुख खान सलमान के घर के पास तो ओवर भीड़ रहता है, सलमान खान के घर के पास तो उतना नहीं रहता है, बस शाहरुख खान के घर के पास बहुत ज़्यादा रहते हैं कंटिन्यू। आप हमेशा जब भी जाएंगे वहाँ पे भीड़ रहता है, बट वहाँ पे पानी का ये नहीं रहता। बट यहाँ पे ये अच्छा लगा कि यहाँ पे पानी पब्लिक के लिए मतलब फ्री सेवा कर दिए होते हैं, अच्छी बात है। देख सकते हैं कितने पब्लिक हैं, बहुत ज़्यादा। तो दिखाते हैं आप लोग को, थैंक यू अमिताभ बच्चन जो कि पानी के लिए ये किए फ्री, अच्छा लगा मुझे। क्योंकि मैं बहुत बार गया हूँ शाहरुख खान के घर के पास तो कंटिन्यू भीड़ रहता भाई। आप कभी भी टाइम सुबह शाम कभी भी जाओ, वहाँ पर 50-100-200 आदमी उतना रहता ही है। बट अमिताभ बच्चन के पास उतना नहीं रहता है, संडे को संडे शायद निकलते तो उस टाइम भी रहता है। क्योंकि मैं अक्सर मैं नॉर्मल डे में गया हूँ तो फिर वहाँ पे गार्ड लोग रहते हैं 4-5, वहाँ पे रुकने ही नहीं देते किसी को। तो आज निकलने वाले हैं तो इसलिए इतना भीड़ है। तो जुहू बीच जस्ट इसके पास में ही है बंगला के, तो इसलिए सोचे आज देख ही लूँ। जुहू बीच तो हमेशा आते जाते रहते हैं, तो दिखाते हैं आप लोग को। और लास्ट स्क्रीन पर ना शाहरुख खान सलमान खान का जो है ना घर बंगला, उसका भी लास्ट स्क्रीन पर दोनों तरफ लगा देंगे, तो आप लोग वो भी देखें। चलो दोस्तों, दिखाते हैं आप लोग को। ये हुई अभी निकल रहा है अमिताभ बच्चन और पब्लिक लोग तो काफ़ी क्राउड कर रहे हैं भाई, क्रेजी है। एकदम मोबाइल लेके देख सकते हैं, सिर्फ हाथ ही दिखाई दे रहे हैं सबके, फ़ोन के साथ साथ। पता नहीं इंडिया में कितना फ़ोन है, देख सकते हैं भाई पूरा हाथ ही हाथ है। ओ भाई का जब पूरी रोड जाम हो गई है ब्लॉक। और यहाँ पर देख सकते हैं अमिताभ बच्चन अभी निकले भाई, क्या बोलते पब्लिक। आई थिंक पहली बार देख रहा हूँ मैं, ऐसे तो मूवी में बहुत देखा हूँ बट ऐसे पहली बार देख रहा हूँ, तो अच्छा लगा। थोड़ा मैं पीछे रह गया हूँ, आगे जाना चाहिए कि अच्छे से वीडियो बनाएं, बट फिर भी आप लोग को जूम करके दिखाते हैं। हाथ हिला रहे हैं और ये जूम करें, और भाई क्या बोलते हैं ग्रीन कलर का जैकेट पहने हुए ऐसे। तो ओवर रिंग ठीक है, जैसे प्रचार उचार में आते हैं वैसे ही दिखाई दे रहे हैं हमको। जैसे एड में बहुत सारे यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर एड देखेंगे, उसमें जो भी प्रचार रहते हैं अमिताभ बच्चन उन्हीं का जैसे वैसे ही सेम कॉपी दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक अच्छा लगा देख के, और काफ़ी पब्लिक है। और थोड़ा देर के निकला था 2 मिनट के लिए, पब्लिक भाई देख सकते कितने पब्लिक है। ओ भाई गजब भीड़ लगा हुआ था भाई। तो देख लिए आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। चलो दोस्तों, फिर आप लोग से मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हुई अमिताभ बच्चन की झलसा के पास का वीडियो। तो आगे हम जुहू बीच जा रहे थे, तो जुहू बीच का भी वीडियो डालेंगे, इसके बाद ही जुहू बीच का डालेंगे, बट इसके लास्ट स्क्रीन पर आप लोग देख लें जो कि शाहरुख खान और सलमान खान के घर के पास का। आई थिंक बर्थडे का भी लगा देंगे सलमान खान का तो है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। और चलते हैं हम लोग जुहू बीच, नेक्स्ट वीडियो जुहू बीच के डालने वाले, तो आप लोग ज़रूर देखें।